तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको कार्टून बनाने के लिए आपको सबसे पहले ओपन कर लेना इस एप्लीकेशन को, इसका नाम है आई बी पेंट्स। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको ओपन कर लेंगे आपको सिंपली प्ले स्टोर से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ इस प्रकार से आप इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएंगे, क्योंकि मैं पहले यहाँ से ड्राइंग कर चुका हूँ कार्टून के सारे। ठीक है, करेक्टर तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमने जो पहले क्रिएटर जो हम लोग क्रिएट किए हैं तो मेरा सारा यहाँ पे भी सेव है, सारा मेरा शो कर रहा है। देखिए कुछ इस प्रकार से आपके सामने शो करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको कोना में जो आपको दिख रहा है नीचे की ओर प्लस का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए सिंपली क्या करना है आपको, ओके का यहाँ का जो ऑप्शन दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। बाकी आपका फ्रेम यहाँ पर जो बना हुआ पहले से सेट है इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, जब आपको ज़रूरत पड़ेंगे तो आपको हम अगली वीडियो में बता देंगे। तो चलिए इस प्रकार से इसको हम अभी ओके कर लेते हैं। देखिए ये मेरा यहाँ पे खुल के इस प्रकार से आ चुका है। ठीक है, ये मेरा ड्राइंग पेज है कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आप समझ ले कुछ टूल्स के बारे में। देखिए यहाँ पे आपको एक वन नंबर जो दिख रहा है ये आपका लेयर है। ठीक है, प्लस के जो यहाँ पे आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका लेयर ये बनते जाएगा। जितना आप लेयर बना सकते हैं अनचाहे लेयर यहाँ पे आपका बन जाएगा, इसी लेयर पे आपको काम करना है। ठीक है, तो मैं अभी फर्स्ट लेयर में काम करता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना लेयर पे आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे जो आपका किस लेयर पे आपका ये भी सेट है ये आपके यहाँ पे शो करेगा कुछ इस प्रकार से। देखिए आपका ब्लू यहाँ पे जो आपको बना है आउटलाइन इस प्रकार से आपका बन जाएगा। तो हम फर्स्ट अभी लेयर पे हैं, तो देखिए इस पे बाद सिंपली क्या करना है, हम फिर चलते हैं वापस लेयर पर और फर्स्ट लेयर पर हम रखते हैं कार्टून को। ठीक है, जिस पर आप ड्राइंग करेंगे, आपको आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आपको बेसिक से हम समझाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको एक फ़ोटोज ले लेना है जिस पर आप ड्राइंग करेंगे, जैसे आपको ड्राइंग चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने ये पहले ड्राइंग किया हुआ है, आपको रिपीट इसी को आपको करके दिखाएंगे। कुछ इस प्रकार से इसको हम ले लिया माई गैलरी से। अब यहाँ पे इसको आपको सिंपली ओके कर देना, कहीं पे आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे आपको कैंसिल का ऑप्शन है या फिर कैंसिल कर देंगे। ठीक है, चलिए अभी ये मेरा लेयर टू पे चला गया, हम इसको लेयर वन पे रखते हैं। कि इस प्रकार से आप इसको लेयर चेंज कर सकते हैं, कि इसको लेयर सिक्स पे फाइव पे कर सकते हैं, फोर भी कर सकते हैं, थ्री भी कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रेस करना है इसके नीचे की ओर लेकर जाना है या फिर इसको थोड़ा प्रेस करना है ऊपर की ओर लेकर चल जाना, आपका ये आगे पीछे हो जाएगा आपका लेयर। ठीक है, देखिए इस प्रकार से। तो मेरा अभी हम लेयर वन पे हैं, मेरा वन पे मेरा ये कार्टून जो पहले से, इसको क्या करेंगे थोड़ा सा इसको हम जो मेरा ये फ्रेम है इसको देखिए इस प्रकार से, मेरा जो जितना ये डीप दिख रहा है इतना हमको डीप नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसका हम डीपनेस कम कर देंगे। ठीक है, जो डीप इतना जो दिख रहा है क्योंकि हमको आगे भी ड्राइंग करना है तो उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसको कम कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपका जो है इसको 60% कम कर दिए हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको लेयर टू पे चले आना है। ठीक है, आप लेयर टू के आने के बाद में देखिए कुछ इस प्रकार से मेरा ये दिख रहा है अभी। ठीक है, अब चाहेंगे तो इसको पूरा भी यहाँ से इसको आप ठीक है आउट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका है, इसको भी रखते हैं हम 60 पे, कुछ इस प्रकार से कर दिए। अब यहाँ पे लेयर टू पे चला है, यहाँ पे देखिए आपको सिंपली आपको पेन का ऑप्शन पे आना है ड्राइंग पेन पे। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्लिक करेंगे ड्राइंग पेन पे। यहाँ पे देखिए ब्रश पे जो आपका लिखा हुआ आ रहा ब्रश, ठीक है ये आपका ब्रश है, इसी से सारा काम आप करेंगे इसको ड्राइंग करने का। यहाँ पे बहुत सारा आपका ब्रश आ गया है, बेसिक में चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपका बेसिक पेन आ चुके हैं, तो सिंपली आपको बेसिक पेन में नहीं जाना है। यहाँ पे देखिए आपको आपके हिसाब से सूटेबल के हिसाब से पेन यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम डीजी पेन से डिजिटल पेन जो मेरा है इस पर हम काम करते हैं, तो इस प्रकार से इसको कर लेंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए आपको डीजी पेन जो आपका है तो लेयर कितना पे, मेरा टू लेयर पे। इस पर देखिए इस प्रकार से इसको आप पेन चलाएंगे ना तो देखिए आपका ये पेन चल रहा है। तो यहाँ से आपका कोना में जो है इसको आप इसको हटा सकते हैं, इंडो कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपका पेन है इसको साइज भी कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से मेरा पेन का साइज है अभी, आप इसको पेन का साइज भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पेन का जो साइज है अभी आपको रख लेना है तीन नंबर पे। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपको रख लेना है, इसको जूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको किसी तरह से भी आप कर सकते हैं रोटेट जूम आउट। ठीक है, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा और आपको एक टूल समझा देते हैं जो आपको ड्राइंग करने में थोड़ा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ आपको जो चीन दिख रहा है हैंड का कलाई का, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं आपके, यहाँ फर्स्ट में स्टेबलाइजर, इस पर आपको फुल कर देना है। देखिए इस प्रकार से रहेगा, अगर आपका ऑफ है इसको ऑन कर देना फुल करके 10 पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं छेड़छाड़ करना, नीचे आप चले आएंगे देखिए यहाँ पे आपका ड्राइंग टूल है। ठीक है, तो आपको ये मेरा ऑफ जो है
इस पर जो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपका जो चिन्ह दिख रहा है जो हम क्लिक हैं इस पर आपको क्लिक कर लेना है। कुछ इस प्रकार से हम क्लिक कर दें फिर इसको वापस हमको निकल आते हैं पेज पे। अब यहाँ से इसको थोड़ा जूम कर लेंगे। जूम कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए कलर भी आप ले सकते हैं, आपका जो पेन का कलर है तो आप कौन सा कलर अभी चलाएंगे, कौन सा कलर रखेंगे पेन का आउटलाइन का, ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से है, तो अभी हम इसको फिलहाल ब्लैक में रखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं आप ड्राइंग करने के लिए। इसको हम जूम इस प्रकार से कर लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका ये पेन चल रहा है ड्राइंग पेन, देखिए कुछ इस प्रकार से आप कर लेंगे इसको। हम भी इसको सिंपली से इसको कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही है नॉलेजफुल है, क्योंकि अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे ना तो आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाएंगे कि आप कार्टून कैसे इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। और ये आपका बेसिक है, जिसको आपको कुछ भी नहीं ड्राइंग करना आता है उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है। क्योंकि देखिए इस प्रकार से इसको हम अभी आउटलाइन बना लेंगे, उसके बाद आपको फिर आगे प्रोसेस बताएंगे कैसे इसको फिल करेंगे कलर वगैरह, फिर कहाँ पे आपका मिस्टेक है, कहाँ कैसा क्या आपका शेड्यू करना है, सारा चीज़ आपको बताएंगे। तो वीडियो का एंड तक आप बने रहें फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो अगर मिस करेंगे तो आपको बहुत सारा इसमें जो ऐसा ऐसा टॉपिक है या फिर बहुत सारा इसमें जो है पार्ट जो आपको समझ में नहीं आएंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगा ड्राइंग करने में, ठीक है। तो हम इस प्रकार से इसको कर लेंगे, क्योंकि ये जो फैन है ना इसको आपका गलती से मान लीजिए इस तरफ की ओर चल गया तो आप इसको यहाँ से देखिए यहाँ ग्रिल का ऑप्शन है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे अपर ग्रिल हट जाएगा, नहीं तो फिर देखिए यहाँ पे अगर ये आउट चला गया तो इसको आप सिंपली इसको घीस के इधर आप ला सकते हैं, फिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं बताया हूँ आपको, क्योंकि नया नया प्रॉब्लम होता है बहुत आजेंगे क्या होता है हार्ड सेट नहीं रहता है ड्राइंग करने पे, क्लिक करना है कहीं और चल आप कर लेंगे कहीं और तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, फिर आपका ड्राइंग सही से नहीं बन पाएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमने इसको कर लिए हैं, और इसको भी अब मैं भी इसका बाल का भी आउटलाइन बना रहा हूँ। कि पहले आपका फ्रेंड्स आउटलाइन बनाना बहुत ज़रूरी है, आउटलाइन बनाएंगे तभी आपका कार्टून में कलर फिल करेंगे और थोड़ा सा देखने में भी आपका अच्छा लगेगा। तो इसको हम इस प्रकार से अभी हम कर लेते हैं, सारा आउटलाइन को बना लेते हैं। आउटलाइन बनाने से फ्रेंड्स ये फ़ायदा है कि आपको जो ड्राइंग करना अगर बिल्कुल नहीं आता तो यहाँ से भी आप सीख सकते हैं कि ड्राइंग कैसे करते हैं या फिर कैसे इसको क्रिएट करते हैं। तो देखिए मेरा थोड़ा सा इस प्रकार से जो जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगा फ्रेंड्स आप बारीकी से देख सकते हैं, वीडियो में जूम कर दिया हूँ क्योंकि वैसे हम तो बिना जूम का ही ड्राइंग कर लेते हैं, उसमें हमको परेशानी नहीं होता, लेकिन ये आपके लिए मैं जूम करके बना रहा हूँ क्योंकि अगर आपको पूरा तरह से समझ में से आ जाए। देखिए ये मेरा हेड का बन गया है, अब यहाँ इसको सेव कर देंगे, जो आपका टिक का ऑप्शन आ रहा है ग्रीन में इसको टच कर लेंगे, या देखिए आपका यहाँ पे सो सेट ये हो गया। उसके बाद हम फिर बनाएंगे बॉडी का ये, ठीक है, माउथ का इसका बनाएंगे आउटलाइन, उसके बाद फिर कलर फिल करेंगे हम लोग। तो देखिए इस प्रकार से बनाएंगे इसको, तो बनाने के बाद में इसको हम सिंपली कलर इस प्रकार से इसको भी हम ड्राइंग कर लेते हैं। सॉरी ये मेरा घसक गया है थोड़ा सा, इसको यहाँ से इंडो भी कर सकते हैं अगर लाइन अगर आउट हो गया तो। देखिए कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से कर लेंगे धीरे धीरे, इसको आप आराम से कर लीजिए क्योंकि आप अभी फर्स्ट में अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं ना तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए आप इसको आप जितना आराम से करेंगे धीरे धीरे आप फास्ट इसमें अपना आपका हाथ जब सेट हो जाएगा धीरे धीरे आप फास्ट काम कर लेंगे इस पर। तो आप इस प्रकार से कर लेंगे, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं है, जिस ड्राइंग को बनाना है उस ड्राइंग को इस प्रकार से कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और सारा ड्राइंग बना लीजिए। अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं ड्राइंग करने तो अगर आपको ड्राइंग करना आता है तो फिर आपके लिए बेटर है, आपको ये कॉपी करना नहीं होगा, अपने हिसाब से आप ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए चलिए इस तरह से मैं इसको कर लेते हैं, अब ये मेरा हेड का बन रहा है, तो ये मेरा आउटलाइन बन चुका है, ठीक है, फिर इसको हम सेव कर लेते हैं कहीं मेरा हट ना जाए। तो फिर अभी बनाते हैं हम आउटलाइन इसका, जो क्लॉथ इसका है कपड़ा जो पहना हुआ है कार्टून इसका बनाते हैं। देखिए इस प्रकार से हम इसको बना कर लेते हैं। अगले वीडियो फ्रेंड्स आपको मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आप ये ड्राइंग जो किए हैं इसको आप ये आपके अगला प्रोसेस बताएंगे वीडियो में कि आप ये जो कार्टून बना रहे हैं ड्राइंग कर रहे हैं इसको आप रन कैसे करेंगे, इससे आप टॉकिंग कैसे करवाएंगे, सारा प्रोसेस आपको अगले वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है 2D एनिमेशन के लिए, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे फ्रेंड्स कि आप एनिमेशन कैसे करेंगे, इसी जो आप कार्टून ड्राइंग कर रहे हैं इसको आप एनिमेशन कैसे करवाएंगे, बहुत ईजी फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा अगर समझेंगे वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाएंगे, अगर वीडियो थोड़ा सा अगर मिस्टेक करेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसको कर लिए हैं, अब वापस हम इसका हाथ का बनाते हैं, तो फिर चलते हैं स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए जहाँ भी फ्रेंड्स आपको बनाना है आउटलाइन या आपका जो बिंदु है
इस पर ब्लू वाला इस पर आपको, लेकिन मान लीजिए मेरा छोटा हो गया, इसको आप लंबा भी कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से, कुछ जहाँ पर आप टच करेंगे वहाँ ही आपका ये लाइन ले लेगा। इस प्रकार से हम टच करें, आपको माउस भी दिख रहा है मेरा, देखिए कुछ इस प्रकार से। इसको थोड़ा फास्ट में कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि टाइम भी बहुत लग जाने वाला है, वीडियो बहुत लंबा बनने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो में स्किप नहीं करूँगा, ठीक है, मैं वीडियो कट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो कट करते हुए तो ना तो समझ में इसमें नहीं आता है। तो आप लोग क्या होते हैं बाद में कमेंट करना, सर मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए मैं वीडियो में कट नहीं करूँगा। आप वीडियो अगर आपके पास अभी टाइम नहीं फ्रेंड्स, तो वीडियो बाद में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको पॉज कर दें वीडियो को, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। देखिए इस प्रकार से हम इसको आउटलाइन बना लेते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स इस चैनल पे आपको जो है कार्टून से रिलेटेड, एडिटिंग से रिलेटेड आपको हर तरह के वीडियो आपको मिलेंगे, बस आप मुझे हेल्प करते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, और आप भी वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही इसमें फ्रेंड्स से थोड़ा टाइम देना होता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हम कर लिए इसको। अब यहाँ सिंपली आप इस तरह का मेरा आउटलाइन बनाना है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम बना लेते हैं आउटलाइन। क्योंकि फ्रेंड्स आउटलाइन बनाने के बाद ना आपको फिर जब इसको हम दिखाएंगे आपको, आप चौंक जाएंगे कि इतना अच्छा मैंने ड्राइंग कर लिया है, आप चौंक जाएंगे अपने आप में फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए कुछ फास्ट में भी कर लेते हैं, कि हम फ्रेंड तो बहुत फास्ट में ही कर लेंगे, ठीक है, बट ये आपके लिए मैंने स्लो में कर रहा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार से इसको हम कर लेते हैं। अगर आप नहीं समझेंगे फ्रेंड्स तो फिर ये मेरा सारा जो जो मैंने मेहनत कर रहा है ये मेरा कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से फेज को हम सेव कर लिए हैं, फेज का आउटलाइन इधर से शुरू करेंगे हम। तो देखिए मेरा शुरू हो गया है ये हैंड का, सेकंड हैंड का, थोड़ा तो फास्ट में कर लेते हैं फ्रेंड्स। और देखिए कुछ इस प्रकार से आपको फ्रेंड्स यूट्यूब पे ना इस प्रकार से वीडियो बहुत सारा मिल जाएंगे, लेकिन होगा क्या आपको इस तरह से आपको डिटेल्स में आपको समझाने को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। बहुत सारा वीडियो ना कट के आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए मैं जो काम कर रहा हूँ ना, इतना आपको वीडियो काट के बीच में आपको, फिर उसके बाद ही आपको वीडियो अपलोड करेंगे, बहुत तो ऐसा होता है तो बीच में समझ में नहीं आता है छोटा छोटा टॉपिक को, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ जो आप एंड में करेंगे और जो फर्स्ट में, लेकिन इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए हमको राउंड करना है इस जगह में, थोड़ा सा आप समझेंगे बार किसी के कैसे मैं राउंड कर रहा हूँ। जहाँ पे आपको राउंड करना है फ्रेंड्स, वहाँ पे आपका ये जो बिंदु जो आपको दिख रहा है आउटलाइन का, ये आपको थोड़ा सा छोटा करके देना है, ज़्यादा लंबा नहीं देना, नहीं तो आपका राउंड वहाँ पे, देखिए मान लो यहाँ पे मेरा राउंड है, इसको लंबा कर देंगे ना तो ये मेरा देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स वीडियो का एंड तक फ्रेंड्स बन रहेंगे ना, तो आपको सारा प्रोसेस समझ में से आने वाला है। देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसको कर लेते हैं। तो मैं फास्ट में कर लेता हूँ, इस प्रकार से करते आएंगे, ये मेरा कंप्लीट हो गया सेकेंड हैंड, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार से मेरा ये कंप्लीट हो गया है। अभी इसको फिर यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। चलिए अब ये मेरा दोनों हैंड हो गया है, हेड भी मेरा हो गया है। अब चलते हैं इसका, ये आपका जो शर्ट पहना हुआ है, टी शर्ट है, इस पर चलते हैं, इसका आप बनाते हैं आउटलाइन। देखिए कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। ये देखिए आपका ये भी होने वाला है एक तरफ का, क्योंकि फास्ट में कर रहा हूँ फ्रेंड्स में, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाने वाला है, तो वीडियो स्किप ना करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। कुछ इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो 2D एनिमेशन का जो चल रहा है यूट्यूब पर, बहुत ही इसका अभी भर भर के फ्रेंड्स व्यू आने वाला है और आ भी रहा है इसी कैटेगरी का आपका वीडियोज़ पे चैनल पे, ठीक है। तो आप अगर फ्रेंड्स अगर सीख जाएंगे इस प्रकार से, अगर आपको सीखने का चॉइस है तो बहुत ही आपके लिए बेटर रहेगा। इसका बहुत भी अभी डिमांड भी है फ्रेंड्स, कंपनी में भी है, आपका बिजनेस में भी है, उसमें भी आप ड्राइंग करके उनका एड चलवा सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट का। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसको कर लेते हैं, इसका क्लॉथ का जो है जो नीचे की ओर पहना हुआ है। चलिए इस प्रकार से इसको हम बना लेते हैं, थोड़ा सा ये मेरा मिस्टेक हो रहा, चलिए इस प्रकार से इसको सुधार कर लिए। ये मेरा आउटलाइन कम्प्लीट होने वाला है, चलिए इस प्रकार से हम इसको कर लिए हैं। और ये देखिए मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो टिक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर बनाते हैं इसका पैर का आउटलाइन, कुछ इस प्रकार से इसको बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा पैर भी बनने वाला है एक तरफ का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, चप्पल का बनाना है। तो सेम आपको फ्रेंड प्रोसेस वही करना है, आपको ध्यान देना कि जहाँ तक ये पहले का व्यू है इसी के ऊपर में आपको जिसका आउट जो जहाँ तक इसका एंड होता है वहीं तक आपको ये लाइन बनाना है, इसमें गैप ज़्यादा नहीं करना, फिर आपका सेम बन के तैयार हो जाएगा जैसा आपका पहले से बना हुआ है। इस फ्रेंड से मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, जो मेरा ड्राइंग है ना ये मैं खुद ड्राइंग किया हूँ अपना हैंड से, ठीक है, ये आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए ऐसा मैं किया हूँ।
तो आप ये ड्राइंग अगर चाहेंगे तो आपको मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको लेकर आप खुद भी इसको ड्राइंग कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं प्रैक्टिकली। उसके बाद आप फ्रेंड्स आप जैसा चाहेंगे कार्टून आपका हाफ जब सेट हो जाएगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार से, तो मैं बहुत सारा फ्रेंड ड्राइंग बनाया हूँ, ठीक है, टू व्हीलर का है, फोर व्हीलर का है, बहुत सारा ड्राइंग बनाया हूँ मैं। तो आप अगर बिल्कुल नहीं जानते हैं फ्रेंड्स तो आप सीख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जब भी आपको टाइम मिले आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए मेरा ये फिर ये भी कंप्लीट हो गया, तो अभी मैं बीच में लेता हूँ इसका, देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अभी इसको फ्रेंड जो है कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं। चलिए ये भी मेरा कंप्लीट होने वाला है फ्रेंड, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारा आपको बोले ना पहले फ्रेंड्स आपको कि मैं वीडियो कट नहीं करूँगा, ठीक है, वीडियो में काट के अपलोड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे लोग समझ नहीं पाएंगे, जो बेसिक से जानकार है वो कुछ समझ जाएंगे, जिनको बिल्कुल नहीं आता वो नहीं समझ पाएंगे। तो आप इसके लिए फ्रेंड्स आप देख लीजिए, आपके पास टाइम अगर अभी नहीं है तो वीडियो बाद में भी आप इसको वॉच कर सकते हैं, अभी वीडियो पॉज कर देंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से है, अभी इसको फ्रेंड्स हम जूम जूम कर रहे हैं ना, ये आपके लिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसमें अच्छा तरह से समझ पाएंगे, वैसे तो मैं बिना जूम किए हूँ बना लूँगा, ठीक है। चलिए ये मेरा हो गया, अब इसमें जहाँ ये मेरा थोड़ा इसको जो चप्पल का है इसका भी थोड़ा सा डिज़ाइन करना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। देखिए इसका चप्पल का जो डिज़ाइन है इस प्रकार से कर देंगे, तो फिर इसको ओके कर लेते हैं, वापस इसका डिज़ाइन बनाते हैं। ये भी देखिए इस तरह से बना लेते हैं इसको, तो ये देखिए मेरा चप्पल का डिज़ाइन बन चुका है एक तरफ का, एक और बचा हुआ है बेल्ट, ये इसको बोलते हैं चप्पल का, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार से इसका बना लिए हैं, और फ्रेंड्स ये जो है इसको भी टच कर लेंगे। आउटलाइन फ्रेंड्स कहीं छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, तो आपको कलर करने में प्रॉब्लम हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसको कर लेते हैं, यहाँ पे जो आउटलाइन इसका जो है इस प्रकार से कर देते हैं फ्रेंड्स। चलिए ये मेरा कंप्लीट हो चुका है एक तरफ का, अब सेकेंड की ओर चलते हैं, इसको भी कर लेते हैं इस प्रकार से। चलिए इसका ये हो गया, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपली इस प्रकार से आप इस जो ब्लैक कर पा रहे हैं इस पर भी क्लिक कर लेना है, इस प्रकार से कर लेना फ्रेंड्स आपको। चलिए ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एक तरफ का मेरा हो चुका है पैर का, अब दूसरे तरफ कर लेते हैं, इसको भी तुरंत कर लेते हैं फ्रेंड्स क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है। देखिए कुछ इस प्रकार से इसको कर लेते हैं, ये मेरा हो चुका है फ्रेंड्स, और सेकेंड और चलते हैं, इस प्रकार से कर लेते हैं। चलिए ये भी मेरा हो चुका है, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। चलिए अब ये भी इसको भी कर लेते हैं फ्रेंड्स इस प्रकार से, तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से इसको कर लिया मैंने। चलिए बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट आ रहे थे मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोस पे, मेरे ऑलरेडी मेरा पहला वीडियो है कार्टून से रिलेटेड है, मतलब ये आपका जो टॉकिंग वाला एप्लीकेशन आता है उस पर, कि सर हमको आप 2D एनिमेशन का हमको वीडियो बना के समझाइए, क्योंकि 2D एनिमेशन जो फ्रेंड्स जो है ना ये आगे चल के बहुत ही काम आने वाला है, जो इस पर फोकस कर रहे हैं जो लोग बहुत इस पर काम आने वाला है। देखिए कुछ इस प्रकार से इसको ओपन कर लेंगे, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद जो आपका है हेड का बनाते हैं, तो हेड का बनाने के लिए क्या करना है, देखिए इसका हम अभी डिज़ाइन करेंगे, इसका जो आँख है उसको डिज़ाइन करेंगे, तो इसके थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं पेन को, 4-5 में कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से कर दिए, 5 पेन इसको 6 पे कर लेते हैं इसी हिसाब से, सॉरी उसको तो हटा लेते हैं फ्रेंड्स, पेन को पहले बढ़ा लेते हैं। चलिए अब यहाँ से फिर देखते हैं, हाँ ये मेरा सेट हो जा रहा, थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा, इसको अभी हम 7 पे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स देखिए कुछ इस प्रकार से हमने इसको कर दिया है सेम, इसको क्लिक कर देंगे, सेव कर लेंगे। चलिए इसको भी कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और ये देखिए आपका आँख का भी जो इसका जो है बॉर्डर बन चुका है कुछ इस प्रकार से, इसको भी सेट कर लेते हैं। अब ये आपका कान का बच गया है, इसमें फिर आपका पेन को कटा लेना है, 3 पे कर लेना है इसका साइज जो पेन का ड्राइंग का, ठीक है, ब्रश का, इसको इस प्रकार से हमने कर लिया है, थोड़ा ऊपर की ओर जाएगा। ये देखिए आपका सारा प्रोसेस पहले बताना, आप शेडो कैसे इसमें यूज़ करेंगे, शेडो बहुत ही ज़रूरी फ्रेंड्स, कार्टून के अंदर आप शेडो बनाना सीखें, शेडो लगाना सीखें, कैसे शेडो आप लगाएंगे तो फ्रेंड्स आपको कार्टून बनाने में फिर आपको बहुत ही इजीली बना लेंगे, बहुत ही शानदार, ठीक है। मेन इसका फ्रेंड्स कार्टून का ड्राइंग है आउटलाइन का, और कलर फिल्टर तो आप कर ही लेंगे अपने हिसाब से,
लेकिन इसका जो फ्रेंड जो होता है आपका क्या बोलते हैं इसको, ये शेडो, शेडो फ्रेंड्स बहुत ही काम का होता है। शेडो अगर आप करना सीख जाएंगे ना तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाला है। फ्रेंड्स बहुत अच्छा दिखता है कार्टून में, देखिए आपको बता देते कैसे शेडो यूज़ करेंगे। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ प्रकार से इसको कर लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे इसको कर लेंगे क्लिक, यहाँ से देखिए फिर इसको थोड़ा सा जो बचा हुआ इसका, चलिए फिर हम मोच बनाते हैं इसका जो है कार्टून का। मोच कुछ इस प्रकार से इसका है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा बाहर ही रहेगा चलेगा, फिर दिखने में अच्छा लगेगा। तो कुछ इस प्रकार से भी हम इसको मोच का बना लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से भी बना लेंगे, ठीक है। मोच में थोड़ा सा ध्यान देना है, हाथ इधर उधर ना हो जाए, ठीक है। चलिए इसको भी फिर से हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। चलिए ये मेरा मोच भी कंप्लीट होने वाला है, और ये मेरा जो है इसको थोड़ा अंदर कर लेते हैं, और उसके बाद चलिए ये मेरा इस प्रकार से जा रहा है लाइन, ठीक है। यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर देते हैं, ये मेरा देखिए मोच भी हो गया है बन के तैयार। अब ये मेरा बचा हुआ है इसका पॉट बचा हुआ है फ्रेंड्स, इसको भी कर लेते हैं जो इसका मुँह है। इसको बताएंगे कि इसको कैसे चलाते हैं मुँह को, कार्टून का कैसे इसको बुलवाते हैं, इस सारा प्रोसेस आप फ्रेंड्स आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है। सेकंड पार्ट आपको जो बनाएंगे उसमें आपको फ्रेंड्स बना के आपको दिखाएंगे किस प्रकार से आप इसको एनिमेशन करवाएंगे, किस प्रकार से आप इसको चलने के लिए सिखाएंगे, किस प्रकार से ये चलेगा, किस प्रकार से ये टॉकिंग करेगा, सारा प्रोसेस हम बताएंगे आपको एक स्टोरी बना करके। चलिए देखिए कुछ प्रकार से हो गया। आप इसका आँख का बनाते हैं फ्रेंड्स, आँख का आउटलाइन इस प्रकार से बना लेंगे आप, ठीक है। इसको हटा लेते हैं, थोड़ा जल्दीबाजी फ्रेंड्स इधर हो जा रहा है, ये आपको समझाने के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है। चलिए इस प्रकार से कर लेते हैं इसको फ्रेंड्स अभी, और इसको थोड़ा अंदर की ओर ले लेते हैं इस प्रकार से। तो थोड़ा पेन कम कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आँख का जो है बॉर्डर इतना चौड़ा नहीं होता है, इतना मोटा नहीं होता है, आपका बॉर्डर थोड़ा पतला होता है फ्रेंड्स, और दिखेगा आपको अच्छा नहीं। इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे, और इसका आउटलाइन भी बन के तैयार हो जाने वाला है। जी देखिए मेरा आउटलाइन इसका बन के तैयार हो चुका है, और तो इसको फिर सेव कर देते हैं। सेकंड तरफ चलते हैं, इसका बनाते हैं आउटलाइन, ये भी मेरा बन के तैयार हो जाने वाला है। चलिए इसको फिर राउंड करते हैं धीरे धीरे फ्रेंड्स। आप इसको आप करेंगे ना आप हिसाब से अपने आप सेट, आपका हाथ बैठ जाएगा, उसके बाद आप फास्ट करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होंगे। चलिए देखिए कुछ इस प्रकार से मेरा ये हो चुका है एंड सेव। अब फिर इसका फ्रेंड्स ये जो गोल आपका दिख रहा है इस पर क्लिक करके बना लेना है इसका भी आउटलाइन, तो फिर कलर फिल्टर करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कलर फिल करने के लिए देखिए अब हम तैयार होने वाले हैं, क्योंकि मेरा वीडियो या ड्राइंग जो है मेरा बन के तैयार होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए आपका ये भी ड्राइंग आउटलाइन आपका कंप्लीट होने वाला है। अब हम कलर फिल करेंगे, तो इस प्रकार से देखिए हमने ड्राइंग कंप्लीट कर लिया है, तो ओके कर लेते हैं। और मेरा कहीं कुछ काम बचा हुआ फ्रेंड्स नहीं है, ये आपका आउटलाइन जो है, ठीक है, क्लॉथ का, इसका भी आप बाद में बना सकते हैं, आप फिर अभी इसको आप कर देंगे तो कलर फिल्टर करने के बाद में आपको ज़रूरत फिर नेक्स्ट करने से नहीं है, तो इसको बाद में भी कर सकते हैं लेकिन पहले भी कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले पहले दिखा देता आपको कि ड्राइंग आपका ये जो रहेगा साथ में बहुत ही आपका लाजवाब दिखने वाला है, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसका बना लेते हैं क्लॉथ का, ये कहाँ कैसे होता है फ्रेंड्स आपको सारा प्रोसेस बताएंगे, सारा आपको फ्रेंड्स समझाएंगे इस चैनल के माध्यम से आपको। और ये देखिए इस प्रकार से इसको कर लेंगे, कि मुझे फ्रेंड्स टाइम नहीं मिलता, मैं और भी काम करता हूँ, मैं बस आप लोग का प्यार आशीर्वाद की वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है, मैं एक होटल में मैनेजर का पद पे काम करता हूँ फ्रेंड्स। देखिए कुछ इस प्रकार से इसको बना लिए, अब यहाँ से फिर इसको सेकेंड आउटलाइन बनाएंगे इसको, इसका कुछ इस प्रकार से देखिए मैं बना लिया हूँ अब ये, और मेरा थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ है इसको भी कर देते हैं पूरा, कुछ इस प्रकार से इसको कर दिए हैं। आप ये मोबाइल से फ्रेंड्स आपको सिखा रहे हैं, अगर आप चाहेंगे तो आप इसको पूरा इस मोबाइल से थोड़ा सा आप सीख लीजिए आउटलाइन बनाना, फिर इसका कार्टून का ड्राइंग करना, उसके बाद फ्रेंड्स कुछ ही आपको दिन में आपको सिखाएंगे हम लैपटॉप के ऊपर में, या फिर आपका डेस्कटॉप के ऊपर में सिखाएंगे, ठीक है, पीसी के ऊपर में। उसके लिए फ्रेंड्स पहले आप सबसे बेसिक आप समझ लें, उसके बाद आपको सिखाएंगे हम कुछ ही दिन में आपको। तो देखिए कुछ इस प्रकार से है, चलिए ये आपको बन के तैयार हो गया है। आप फ्रेंड्स क्या करते हैं इसको सिंपली आप वापस हम लेयर पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरा जो सेकंड जो लेयर है उस पे मेरा जो
जो मेरा फर्स्ट लेयर है उस पर मेरा कार्टून का पहले से फोटो लगा हुआ है, उसको भी क्या करेंगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो आई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर देखिए इसको क्लिक करेंगे तो आपका कार्टून ये हट जाएगा। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आपका ड्राइंग आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आपका ड्राइंग है, आप इसको हम कलर फिल करेंगे। ठीक है तो कलर फिल करने के लिए चलते हैं आपका, फिर ये ड्राइंग पेन से क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ के कलर का ऑप्शन है, आप कौन सा कलर लेंगे आप अपने हिसाब से यहाँ पे फ्रेंड्स आप शूट कर सकते हैं। तो सेम कलर में फ्रेंड्स दूंगा मैं इसको, देखिए मेरा ये जो ब्लू है ठीक है, मैं ये इसका देता हूँ ब्लू में, देखिए कुछ इस प्रकार से कर देता हूँ, सिंपली क्लिक कर देना आपको ये आपका कलर ले लेगा। ठीक है अब चलते हैं इसका हेड में कौन सा कलर देंगे फ्रेंड्स, तो इसको ब्लैक कर देंगे। ठीक है हेयर में इसको ब्लैक कर देते हैं, देखिए फ्रेंड्स कितना लाजवाब दिखने वाला है। इसका जो धोती है फ्रेंड्स इसको देते हैं थोड़ा सा ब्लू टाइप में दे देंगे ताकि ये दिखने थोड़ा अच्छा लगे। तो चलिए कुछ इस प्रकार से इसको हम दे दिए हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स काम आती है आपका मॉस भी थोड़ा सा फ्रेंड्स ब्लैक कर देते हैं इसका। ठीक है इस प्रकार से इसका आँख भी जो है ब्लैक कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका बच जाता है स्किन का कलर। ठीक है स्किन कलर फ्रेंड्स थोड़ा सा आप ना भी नहीं है आप उतना नहीं ठीक है कर पाएंगे अपने हिसाब से, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे फ्रेंड्स, वीडियो स्किप नहीं करना है आपको। चलिए तो देखिए स्किन के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कलर आपको मिलाना होगा। ठीक है कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे फ्रेंड्स देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आप कलर स्किन का जो है आप मिला लीजिए पहले अपने हिसाब से, तो उसके बाद ही फ्रेंड्स यहाँ पे फिल करना है आपको। 204 पे है मेरा 200 की कलर, अपने हिसाब से इसको बना लेते हैं कौन सा कलर मेरा सूट होने वाला है। तो कुछ इस प्रकार देखिए मैं कलर बना लिया हूँ, थोड़ा सा इसको और वाइट कर लेंगे इसको। चलिए फ्रेंड्स देखिए मेरा यही मैं डालने वाला हूँ स्किन पे कलर। ठीक है तो देखिए इसको भी हम डालेंगे स्किन के ऊपर में, तो पहले फेस में डालते हैं इसका। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से मैं डाल दिया हूँ और इस पर भी हम कर लेते हैं फिल, जहाँ पर मेरा आउटलाइन का जो बाहर है उसको भी कर देते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से इसका हैंड का कर दिए हैं, इसका पैर का भी कर दिया मैंने, और ये भी सॉरी इसको मेरा ये कंप्लीट हो चुका है कलर फिल करने का। देखिए फ्रेंड्स कितना आपका दिख रहा लाजवाब, इसका होट को दे देते हैं रेड में। ठीक है फ्रेंड्स तो देखिए ये मेरा होट इसका जो है ये होट को भी दे देते हैं, थोड़ा सा ऊपर का जो होट होता है थोड़ा सा डीप होता है इसको डीप थोड़ा दे देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स आपका बन के ये तैयार हो चुका है। इसमें देखिए आँख का जो है इसमें थोड़ा सा और काम बचा हुआ है, इसके लिए हमको वाइट चाहिए। ठीक है कलर तो यहाँ पे सिंपली आपको इसे ब्रश से देना हो फ्रेंड्स, आप ब्रश से भी कलर कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपको ब्रश से कलर ऐसे कर सकते हैं देखिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है और इसको भी हम क्या करते हैं ब्रश से इसको दे देते हैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा करते हैं इस प्रकार से। देखिए फ्रेंड्स ये आपका ले लिया है, सॉरी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए तो छोटा ही रहेगा, तो इसको छोटा कर देते हैं चलिए इस प्रकार से, और इसको भी कर देते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स आपके सामने कार्टून बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए आपको सिखाते हैं कि इसका आप शेडो कैसे लगाएंगे इसको, तो सिंपली आपको चलाना है ब्रश के ऊपर में। ठीक है इस प्रकार से ब्रश पे चलाएंगे, यहाँ पे देखिए आपका शेडो का जो आपका जो ब्रश दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेंगे। देखिए बहुत सारा फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रश है आपका है शेडो का। ठीक है तो देखिए शेडो ब्रश इस यहाँ पे अभी ले लेते हैं इसको फिलहाल के लिए, इस पर आपको दिखाते हैं कैसे शेडो डालेंगे फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब कलर आपका जो फ्रेंड्स है यहाँ से कलर मान लीजिए आप ये कलर जो लगाएं स्क्रीन पे आपको याद नहीं है कितना इसका साइज़ है क्या है, तो सिंपली इस पर प्रेस करके रखेंगे फ्रेंड्स आपका ये कलर कॉपी हो जाएगा। देखिए वह कलर कॉपी सेम हो गया है, इसको थोड़ा सा शेडो हम डीप कर देते हैं फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से। अब शेडो हम लगाते हैं शेडो। ठीक है फ्रेंड्स देखिए शेडो लगाना फ्रेंड्स ईजी है, लेकिन आपको शेडो लगाने के लिए थोड़ा सा सोचना होगा कि आप शेडो किस तरह से लगाएँ किस प्रकार से और किस तरफ से लगेगा शेडो आपका, थोड़ा सा इसको और डीप कर लेते हैं कलर को। चलिए देखिए फ्रेंड्स ये शेडो आप इस प्रकार से लगा लेंगे। ठीक है आप खड़े हैं कि आपका परछाई जो होता है ना फ्रेंड्स उसी को शेडो बोलते हैं, तो आपका जो परछाई बन रहा है आप किस और की खड़े हैं उस तरह से आप इसको शेडो लगा सकते हैं। तो ये शेडो जो मेरा लग रहा है देखिए कुछ इस प्रकार से, क्योंकि फ्रेंड्स ये चीज़ आपको उतना समझ में नहीं आने वाला है क्योंकि शेडो आप जब काम करेंगे पूरा फ्रेंड्स वीडियो में सीख जाएंगे पूरा अच्छी तरह से कार्टून बनाना, तो शेडो का महत्व आप समझेंगे कि शेडो क्या होता है और शेडो लगाने से क्या दिखता है कार्टून के अंदर। मैं आपको ये फाइनल करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है देखिए ये जो मेरा है ये यहाँ पे मेरा शेडो लगने वाला है देखिए इस प्रकार से, तो ये शेडो मेरा लग गया है देखिए, और यहाँ मेरा शेडो लगेगा गला में कुछ इस प्रकार से लगेगा शेडो मेरा, और उसके बाद फ्रेंड्स ये जो है चलिए यहाँ पर भी मेरा शेडो लग गया है, और
ये देखिए मेरा शेड्यूल लग चुका है यहाँ पे भी, अब इसको भी थोड़ा सा और लगाने वाला है यहाँ पे प्रिंट शेड्यूल, क्योंकि गला जो थोड़ा सा ब्लैक ही होता है बहुत लोग का, कि आपका स्किन से गला जो रहता है वो डिफरेंस रहता है, कि कुछ इस प्रकार से हम शेड्यूल इसका लगा दिए प्रिंट्स अभी, और इसका साइड से भी साइड शेड्यूल लगा सकते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से शेड्यूल भी लगा दिए हमने, और इसका यहाँ पर भी शेड्यूल लगने वाला है, तो इस प्रकार से हम इसको कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये आपका रियली में दिखने वाला है, और ये मेरा थोड़ा सा यहाँ से भी शेड्यूल लगेंगे, और इसको भी सेव कर लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स ये जो मेरा है कार्टून बनके तैयार हो चुका है, आपको मैं सिंपली बना के आपको दिखा दिया हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको ब्रश ले लेना है आपका, और ब्रश आपको जो ले लेना है कुछ इस प्रकार से ले लेना है, या कपड़ा का इसका जो डिज़ाइन इसको चेंज करेंगे, तो ये मेरा कपड़ा का जो कलर है इसको हम कॉपी कर लेंगे सबसे पहले, और इसको ले आते हैं डीप ब्लू में इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसको हम बनाएंगे, क्योंकि ये मेरा कपड़ा देखिए फोल्ड जो हो जाता है ना उसका ये आपका शेडो है, देखिए कुछ इस प्रकार से आपका ये कपड़ा जो फोल्ड हो जाता है उसका शेडो ये आपको बन के फ्रेंड्स आपके सामने तैयार हो चुका है। अब सेम फ्रेंड्स यही कार्टून को आपको सेकेंड वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप इसको एनिमेशन करवाएंगे, किस प्रकार से इसको आप रन करेंगे, किस प्रकार से ये आपके सामने बोलेगा, इसको कैसे बोलवाएंगे, इसका सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। इसका जो ऑट है कैसे काम करेगा, कैसे बोलेगा, सारा प्रोसेस फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आपके सामने बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे लेयर पे चलते हैं। अब ये फ्रेंड्स जो आपका ये जो है फोटो जो आपको पहले का उसको हटा भी सकते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से उसको हटा दिए। अब ये फ्रेंड्स आपका बन के तैयार हो चुका है। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स आपका सेव करने का ऑप्शन आ रहा है, कोना फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है इस प्रकार से क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सेव एज ट्रांसपेरेंट इमेज, ठीक है, पीएनजी यहाँ पे आपका सेव होगा ट्रांसपेरेंट में, ठीक है, बैकग्राउंड आपका हट जाएगा यहाँ से। इसको सेव कर लेते हैं, वापस हम फिर गैलरी में सेव कर लेंगे, वापस हम पीएनजी में इसको भी सेव कर सकते हैं। चलिए हम चेक करते हैं अपना माई गैलरी में, इसको ओपन करते हैं फिर कुछ इस प्रकार से। तो देखिए ये मेरे सामने आके मेरा ये बन चुका है, देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से मेरा आके यहाँ पे सेव हो चुका है। इसको जूम करेंगे कि ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स कितना आपका लाजवाब दिख रहा है कार्टून जो आपने अभी ड्राइंग किया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।